Welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to start a new chapter, chapter number 11, tables and shares. So let's begin with question number 1. Question number 1 is match the following. ठीक है, first column में हमें कुछ multiplications दिए गए हैं और next column जो है उसमें हमें pictures दी गई हैं, तो इन multiplications को हमें picture के साथ match करना है. ठीक है, first हमें दिया हुआ है 3 × 8. ठीक है, तो सबसे पहले हमको ऐसा पिक्चर फाइंड आउट करना होगा कि जिसमें 3 × 8 हो. ठीक है, तो देखो यहाँ पे 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, और वो कितनी टाइम्स दिए गए हैं, 1, 2, 3. ठीक है, तो ये हो गया 3 × 8. तो फर्स्ट को हम मैच कर देंगे बी के साथ. ओके, 3 × 8. देन नंबर 2 है 1 × 8, यानी 1 × 8. तो अब हमें ऐसा पिक्चर फाइंड आउट करना है जहाँ पे हो 1 × 8. ठीक है, तो देखो डी में है, देखो 1 टाइम ही दिया है और 8 फ्लावर्स दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो दिस इज़ 1 × 8. तो सेकेंड को हम मैच करेंगे डी के साथ. देन नंबर थ्री है 2 × 9. 2 × 9 मीन्स 2 × 9. अब 2 × 9 कहाँ दिया है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, ये 8 है, यहाँ पे हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है, ये 9 है और 2 times है. ठीक है, तो थर्ड को हम मैच कर देंगे ए के साथ, ये हो गया नंबर 3. ओके, देन नंबर फोर इज 4 × 6. ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है 4 × 6. तो वो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 है और कितनी टाइम्स है, देखो 1, 2, 3, 4, 4 times है और 6 है, तो 4 को हम मैच करेंगे F के साथ. देन नंबर फाइव इज 6 × 3, इट मीन्स 6 × 3. अब 6 times हम 3 फाइंड आउट करते हैं, तो देखो यहाँ पे C में लिया है 1, 2, 3, 3 है और कितनी टाइम्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 times है, 3 है, 6 times है, तो हम इसको मैच कर देंगे, 5 को हम मैच कर देंगे C के साथ. देन नंबर सिक्स हमें दिया हुआ है 2 × 8. 2 × 8 मीन्स 2 × 8. ओके, तो इसको हम हमारे पास बच रहा है E, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 हो गया, 2 times हो गया, तो 6 को हम मैच कर देंगे E के साथ. Now let's begin question number 2. Question number 2 is arrange and draw in rows and columns in 3 different ways. यहाँ पे हमें कुछ multiplications दिए गए हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें pictures draw करने हैं. ठीक है, first हमें दिया हुआ है 30 jokes. 30 jokes को हमें 3 different ways में show करना है in form of multiplication. ठीक है, तो first हमें दिया हुआ है 2 × 50, it means 2 × 50. ठीक है, तो सबसे पहले हमें 50 jugs ड्रॉ कर लेना है. ठीक है, और कितनी टाइम्स ड्रॉ करने हैं, 2 times. तो ये 1 time हो गया 15 jugs और ये 2 time हो गया 15 jugs. ठीक है, यू में काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ठीक है, तो ये 1 × 15, ये हो गया 2 × 15, एंड 2 × 15 इज 30. ठीक है, आप टोटल काउंट करेंगे, यू विल गेट 30 jugs. देन बी हमें दिया हुआ है 3 × 10. 3 × 10 = 13, यानी कि अब हमें 10 pictures ड्रॉ करनी है. हाउ मेनी टाइम्स, 3 times. तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 हो गया, कितनी टाइम्स करना है, 3 times. तो 1, 2 and 3, 3 times हो गया, 10 jugs, 3 × 10 = 30 jugs. देन ये 2 हमें एग्जाम्पल्स ऑलरेडी गिवन थे, अब हम नंबर सी हम अपने आप करेंगे. सी हमें दिया हुआ है 5 × 6 = 13. ठीक है, 5 × 6 = 13, यानी 5 times हमें ड्रॉ करने हैं 6 jugs. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हो गया, हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू ड्रॉ, 5 times. सो 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, 5 times हो गया, 6 jugs हो गया, और ये टोटल जग्स हैं 30 jugs. देन क्वेश्चन नंबर टू हमें दिया हुआ है 24 apples. अब 24 apples को हमें 3 way में शो करना है. ठीक है,
तो फर्स्ट हम ले लेंगे 2 × 12, ओके 2 × 12 इज 24, यानी कि हम 2 टाइम्स ड्रॉ करेंगे हाउ मेनी एप्पल्स, 12 एप्पल्स। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 × 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, हो गया 2 × 12 और टोटल एप्पल्स हो गए 24। इसी तरीके से दूसरे दो वेज में भी हमें शो करना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट हमने लिया है 3 × 8 = 24, ओके, यानी कि इसमें हम ड्रॉ करेंगे 8 एप्पल्स 3 टाइम्स, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, और कितने एप्पल होंगे, 8 एप्पल्स होंगे। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 एप्पल्स हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, ओके। सो 3 × 8 = 24, ये टोटल एप्पल्स हैं 24 एप्पल्स। देन सी, थर्ड वे में हमने 24 को रिप्रेजेंट किया है 4 × 6 = 24, ठीक है, सो 4 × 6 = 24 एप्पल्स होते हैं। तो हमने 4 टाइम्स ड्रॉ करेंगे हम 6 एप्पल्स, सी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 एप्पल्स, और कितनी टाइम ड्रॉ किए हैं, 1, 2, 3, 4, ओके, सो 4 × 6 = 24। देन क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें रिप्रेजेंट करनी है 40 बॉल्स, ठीक है, 3 वे में रिप्रेजेंट करना है। सो फर्स्ट हमने लिया है 2 × 20, ठीक है, 2 टाइम्स हम ड्रॉ करेंगे 20 बॉल्स, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ओके, ये 1 × 20, ये 2 × 20, ओके, सो 20 × 20 × 2, 40 बॉल्स। देन बी में हमने लिया है 4 × 10, ओके, 4 × 10 = 40, सो हमें 4 × 10 बॉल्स ड्रॉ करनी है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 बॉल्स, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, सो 4 × 10 = 40 बॉल्स। नाउ नेक्स्ट 5 × 8 = 40, अब हम 5 टाइम्स ड्रॉ करेंगे 8 बॉल्स, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बॉल्स होंगे, हाउ मेनी टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स, सो 5 × 8 = 40 बॉल्स, ये टोटल है 40 बॉल्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक द टेबल्स, हमें टेबल्स फॉर्म करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेक द टेबल ऑफ 7 यूजिंग द टेबल ऑफ 2 एंड 5। यहाँ पे हमें क्या करना है, 7 का टेबल बनाना है हमको यूजिंग द टेबल 2 एंड 5, यानी 2 और 5 का टेबल यूज़ करके हमें 7 का टेबल बनाना है। अब वो किस तरीके से बनाना है वो हम देखते हैं एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि 2 + 5 क्या होता है, 7, ठीक है, इसीलिए हमें कहा गया है कि 2 और 5 के टेबल को यूज़ करके बनाओ 7 का टेबल, ओके। तो फर्स्ट देखो, हमें 2 का टेबल दिया है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 2 × 10 = 20। देन हमें 5 का टेबल दिया हुआ है, 5 × 5, 5 × 10, 5 × 15, 5 × 4 = 25, 5 × 25, 5 × 30, 5 × 7 = 35, 5 × 4 = 45, 5 × 40, 5 × 40 = 55, and 5 × 15, ठीक है। इसको यूज़ करके हमें फॉर्म करना है 7 का टेबल। तो देखो हम क्या करेंगे, ऐड कर दे जाएंगे, 2 + 5 = 7, सो 7 × 1 = 7, 4 + 10 = 14, 7 + 2 = 14, 15 + 6 = 21, 7 × 3 = 21, 20 + 8 = 28, 7 × 4 = 28, 25 + 10 = 35, सो 7 × 5 = 35। देन 35 + 14 = 49, सो 7 × 7 = 49, 40 + 16 = 56, सो 7 × 8 = 56, 45 + 18 = 63, सो 7 × 9 = 63, देन 50 + 20 = 70, 7 × 10 = 70, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टेबल्स फॉर्म करने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं विद नंबर वन, हमें दिया हुआ है मेक द टेबल ऑफ 7 यूजिंग द टेबल ऑफ 4 एंड 3। अब हमें 4 और 3 का टेबल यूज़ करके बनाना है टेबल ऑफ 7, और 4 + 3 भी क्या होता है, 7 होता है, ठीक है, इसी वजह से हम 4 और 3 के टेबल को यूज़ करके 7 का टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4 का टेबल, 4 × 1 = 4, 4 × 2 =
8, 4 threes are 12, 4 fours are 16, 4 fives are 20, 4 sixes are 24, 4 sevens are 28, 4 eights are 32, 4 nines are 36, 4 tens are 40. Then I'm making a 3 ka table. 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 threes are 9, 3 fours are 12, 3 fives are 15, 3 sixes are 18, 3 sevens are 21, 3 eights are 24, 3 nines are 27, 3 tens are 30. अब हम क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे. सो 4 प्लस 3 7. ठीक है, 7 का जो टेबल है वो नेक्स्ट पेज पे है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें किस तरीके से 7 का टेबल फॉर्म करना है. 4 प्लस 3 देन 8 प्लस 6 12 प्लस 9 16 प्लस 12 20 प्लस 15 24 प्लस 18 28 प्लस 21 32 प्लस 24 36 प्लस 27 एंड 40 प्लस 30. अब देखते हैं 7 का टेबल. ओके, सो सारे एडिशन करने के बाद हमें वैल्यूज़ मिलेंगी. 7 वन ज़ा 7, 7 टू ज़ा 14, 7 थ्री ज़ा 21, 7 फोर ज़ा 28, 7 फाइव ज़ा 35, 7 सिक्स ज़ा 42, 7 सेवन ज़ा 49, 7 एट ज़ा 56, 7 नाइन ज़ा 63, 7 टेन ज़ा 70. इसी तरीके से हमें नंबर टू भी करना है. नंबर टू हमें दिया हुआ है मेक द टेबल ऑफ 12 यूजिंग द टेबल ऑफ 5 एंड 7. यानी कि अब हमें फॉर्म करना है टेबल ऑफ 12. कौन से टेबल को यूज़ करना है, 5 का टेबल यूज़ करना है और 7 का टेबल यूज़ करना है. ठीक है, और देखो एक और फैक्ट है. क्या फैक्ट है, 7 प्लस 5 और 5 प्लस 7 क्या होता है, 12 होता है. ठीक है, इसी वजह से हम 12 का टेबल फॉर्म कर सकते हैं यूजिंग टेबल ऑफ 5 एंड 7. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. हमें दिया हुआ है सबसे पहले टेबल ऑफ 5. टेबल ऑफ 5 कंप्लीट करते हैं. 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 5 थ्री ज़ा 15, 5 फोर ज़ा 20, 5 फाइव ज़ा 25, 5 सिक्स ज़ा 30, 5 सेवन ज़ा 35, 5 एट ज़ा 40, 5 नाइन ज़ा 45, 5 टेन ज़ा 50. देन हमें दिया है टेबल ऑफ 7. 7 वन ज़ा 7, 7 टू ज़ा 14, 7 थ्री ज़ा 21, 7 फोर ज़ा 28, 7 फाइव ज़ा 35, 7 सिक्स ज़ा 42, 7 सेवन ज़ा 49, 7 एट ज़ा 56, 7 नाइन ज़ा 63, 7 टेन ज़ा 70. अब हम फॉर्म करेंगे 12 का टेबल. ठीक है, सो 5 प्लस 7 12, 12 वन ज़ा 12, 14 प्लस 10 24, 12 टू ज़ा 24, 21 प्लस 15 36, 12 थ्री ज़ा 36, 28 प्लस 20 48, 12 फोर ज़ा 48, 35 प्लस 25 60, 12 फाइव ज़ा 60, 42 प्लस 30 72, 12 सिक्स ज़ा 72, 49 प्लस 35 84, 12 सेवन ज़ा 84, 56 प्लस 40 96, 12 एट ज़ा 96, देन 63 प्लस 45 108, 12 नाइन ज़ा 108, 70 प्लस 50 120, 12 टेन ज़ा 120. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है ख़त्म. इफ़ यू हैव एनी डाउट क्वेरी और सजेशन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.